सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो आपको रुलाएगा। गुस्से में कभी गलत मत बोलो क्योंकि मूड तो ठीक हो ही जाता है और बोली हुई बातें वापस नहीं होती। आज का पंचांग 22 मार्च 2023 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात्रि 8:21 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र दोपहर 3:32 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:26 से 1:56 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मीन राशि पर ही रहेंगे। बसंत ऋतु, चंद्र दर्शन, गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेष राशि 22 मार्च 2023 दिन बुधवार, आप स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से बचने के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल का दौरा कर सकती हैं। आराम करें और आध्यात्मिक चिंतन के लिए समय निकालें। अभी आप नियंत्रित या कटा हुआ महसूस करेंगे। अपने भय का सामना करके और समझदारी से निर्णय लेकर आप इसके लिए तैयार हो सकते हैं। अत्यधिक आत्मनिर्भरता और लालसा आज का मूल मंत्र है। आज आप में से कुछ अपने दिल और दिमाग में विरोधाभास महसूस कर सकते हैं। कुछ समय अकेले अपने लिए व्यतीत करें। आज आपको अपने जरूरी काम समाप्त करने की आवश्यकता है। गलती करना बुरा नहीं पर उससे सीख ना लेना बुरा है। कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति लेनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ेगा, इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। दिनचर्या के मुताबिक तरीके से व्यतीत होगी। दिनचर्या मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगी। कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना तथा अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित होना आपको सफलता देगा। कुछ नजदीकी अथवा दूर दराज की यात्राएं होने की योग भी बन रहे हैं। आपके लक्ष्य आगे बढ़ने से एकाग्रता बनी रहेगी। प्रलोभनों से दूर रहें और वर्तमान पर ध्यान दें। आज काम में फोकस बढ़ने की कोशिश करें। डे कामों को अंजाम तक पहुँचाना संभव होगा। करियर संबंधित महसूस होने वाले चिंता के बारे में अभी विचार ना करें। जो प्रोजेक्ट चल रहा है केवल उस पर ध्यान दें। लव रिलेशनशिप संबंधित बातें जब तक आगे नहीं बढ़ती तब तक लोगों के साथ चर्चा करने से बचें। शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए खान पान में बदलाव करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे और किसी संत के कुछ दैवीय ज्ञान प्राप्त करेंगे और किसी संत से कुछ दैवीय ज्ञान प्राप्त करेंगे। किसी करीबी रिश्तेदार की मदद से आज आप अपनी कारोबार में अच्छा कर सकती हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। आप परिचितों से व्यक्तिगत बातों को टालने से बचें। संभल कर दोस्तों से बातें करें क्योंकि आज के दिन दोस्ती में दरार पड़ने की संभावना है। लघु व्यवसाय करने वाले इस राशि के जातकों को आज घाटा हो सकता है। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है तो आपको अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। कई कामों को छोड़कर आप आज अपने पसंदीदा कामों को करने का मन बनाएंगे, लेकिन काम की अधिकता के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना भी करना पड़ सकता है। सावधानियां, कुछ समय धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। इससे मानसिक शांति बनी रहेगी। आपकी किसी व्यक्तिगत बात को लेकर परिवार में कोई तनाव हो सकता है,
बेहतर होगा कि अपने स्वभाव के प्रति आत्मचिंतन अवश्य करें। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी, दोस्तों के साथ मेल मिलाप प्रसन्नता देगा और नजदीकियां भी बढ़ेगी। आज आप किसी रहस्यमय शक्ति को अपने साथ महसूस करेंगे और पाएंगे कि वो आपको शारीरिक व मानसिक समस्याओं से बचा रही है। आपकी कुल पर्सनैलिटी और प्यार भरी बातें आपके साथी को दीवाना कर देगी, बस बहस में ना पड़े। धोखे और धोखेधड़ी से सावधान रहें। यह आपके जीवन का एक ऐसा चरण है जब आपका ध्यान निजी जीवन से हटकर स्वयं पर ही होगा। आज आप खुद के लिए कुछ स्पेशल करेंगे, जैसे अपने शौक को पूरा करना या अपनी किसी खास से मुलाकात। भावनात्मक उतार चढ़ाव आज आपके कार्ड्स में है। कोई समस्या है तो साथी से संपर्क करें, क्योंकि प्यार हर जख्म को भर देता है। प्यार, रिश्ते और परिवार अब आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आज आप अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे। आपको ये याद दिलाया जाएगा या एहसास होगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, जिसकी वजह से आप निर्णायक कदम लेंगे। जिसने काफी समय से आपको परेशान किए हुए था, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के कारण तनाव घटाने में भी आपको मदद मिलेगी, जो आपके मन मस्तिष्क पर हावी था। बात करते हैं करियर की। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये समय अपना हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को दिखाने का है, और हो सकता है कि आपको अपने परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन ये आपके करियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इस कार्य को सही ढंग से कर पाएंगे तो यह आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको अपने घर और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठाना होगा, ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सकें। आज आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे। दान धर्म और गैर लाभ के कार्य आपको संतुष्टि के साथ साथ आनंद प्राप्त करेंगे। दीर्घकालीन निवेश आपके भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। डॉक्टर और अस्पताल से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आप बेहद संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। आपके दिल और दिमाग में भी मतभेद हो सकता है, ऐसे में जीत आपकी भावनाओं की होगी। कुछ समय अकेले में समय बिताएं और अपने शौक को पूरा करें। अपनी प्राथमिकताओं को रीसेट करें और कौन सा काम कैसे करना चाहिए, इसका सबसे अच्छा तरीका ढूंढें। बिजनेस संबंधित ज्यादातर काम ठीक से पूरे हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा संबंधित काम करने में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको सफलता मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं सेहत की। आपकी सेहत आज बहुत अच्छी है और इसे अच्छी बनाए रखने के लिए आपको हर रोज सुबह हल्के फुल्के एक्सरसाइज करने की आदत डालनी होगी। आज इसकी तरह पहला कदम उठाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप शाम तक दांत में दर्द महसूस कर सकते हैं। अपनी अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए आपको अपने खाने का पैटर्न तुरंत ही बदलना होगा। आज का उपाय, गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।